उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और यूपी भाजपा कोर कमेटी के बीच बैठक जारी है। शाम 4 बजे से शुरू हुई इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव वीएल संतोष के अलावा योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं। इस बैठक में होली के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के अलावा विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर मंथन के साथ ही जल्द होने वाले विधान परिषद चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण को भाजपा मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, मैराथन बैठक चल रही है, अभी ये बैठक कितनी और चल सकती है और क्या महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं? देखिए उदेश, अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, तो अब उसका विश्लेषण लगभग पूरा कर लिया गया है। खासतौर से जो मंत्री चुनाव हारे गए हैं उनका भी विश्लेषण किया गया कि क्यों मंत्री आखिर चुनाव हार गए हैं और क्या वजह रही है कि इन मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़े, उसका भी विश्लेषण किया गया। अभी अगर बात करें तो जो MLC के उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर के मंथन चल रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी दे दें कि आज देर शाम तक जो लोग हैं जिनको MLC का टिकट दिया जाना है उनकी सूची भी आ सकती है, क्योंकि 19 तारीख लास्ट डेट नामांकन की। और अगर बात करें तो बीच में होली भी पड़ रहा है, कार्यालय बंद, तमाम सारे सरकारी बंद रहेंगे, तो लिहाजा नामों की घोषणा जल्द से जल्द हो जाए इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी को लेकर के अगर बात करें तो अभी मंथन चल रहा है कि कौन लोग हैं जिनको उम्मीदवार बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से MLC कैंडिडेट के लिए, तो इनके नामों को लेकर के मंथन चल रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इकाना स्टेडियम अब तय हो चुका है कि इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ होगा, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में तमाम सारे जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं वो तो शामिल ही होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, बीजेपी के कई सारे नेता शामिल होंगे, संगठन के लोग शामिल होंगे। इसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्रों में अपनी पहचान रखते हैं उनमें से किन किन लोगों को बुलाया जाए जो कि अपने समाज में विशिष्ट कार्यों की वजह से पहचान बनाए हैं और अपने समाज के जरिए तमाम सारे लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़े हैं, तो ऐसे भी लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की तैयारी कर रही है। और जो विशिष्ट पहचान रखते हैं वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के होंगे बल्कि देश भर के जो ऐसे नागरिक हैं जो विशिष्ट पहचान रखते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जो सेवा के जरिए अपने नाम को बढ़ाया है और सेवा के जरिए ही अपना नाम किया है, तो उनको अब शपथ ग्रहण में बुलाने की तैयारी है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा सकता है जिससे कि पूरे देश भर में एक शपथ ग्रहण संदेश जाए। तो उसके साथ साथ अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग चुनाव हारे हैं उनको अब किस तरीके से आगे पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर या फिर कहां पे किस तरीके से दायित्व देना है, इस बात को लेकर भी मंथन होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल मंथन चल रहा है वो ये मंथन चल रहा है कि MLC के लिए उम्मीदवार किसको बनाया जाए, और इसी को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार मंथन, मनन, चिंतन चल रहा है। और उम्मीद है कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक भारतीय जनता पार्टी अपने MLC के जो तमाम सारे उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर देगी, क्योंकि 19 तारीख लास्ट नामांकन की लास्ट डेट है। और उसमें अगर बात करें तो बीच में छुट्टियां भी पड़ रही हैं, होली भी पड़ रहा है, तो लिहाजा अविनाश और क्या चीजें रहेंगी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।